Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dharchula Travel Series Part 2. और आज हम जा रहे हैं धारचूला कोट। दोस्तों, हमने गाड़ी पार्क की अपनी वहाँ पे नीचे पे, वहाँ में वहाँ से जाना था ऊपर पे, लेकिन वहाँ से लैंडस्लाइड आ रही है, तो अभी हम यहाँ रोड से यहाँ आए हैं और इस रास्ते से हम अभी ऊपर जाएंगे और ऊपर हमें यहाँ पहुँचना है। और यहाँ से ऊपर आप धीरे धीरे जाओगे और ऊपर पहुँचोगे धारचूला कोट की तरफ। देखो, इन तीनों ने मेरे को छोड़ दिया आगे, मतलब पीछे, इन्होंने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया भैया। हम आ गए उस रोड से ऊपर इस तरफ और यहाँ आ गए पानी की टंकी। पानी की टंकी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को बस अनुमान लगाना है और रास्ता पूछते हुए जाना है। मेरे पीछे नेपाल दिखाई दे रहा है और अभी हम इंडिया में, वो रहा नेपाल, नेपाल का धारचूला और इंडिया में धारचूला। भाई हमारा गलत रास्ते पे चला गया था, सही रास्ता ये है। तो आप जब भी आओ लोकल से पूछते हुए आना, ताकि आपको चढ़ाई से वापस ना आना पड़े। साथी मिल गया कोई, घास खिलाओ घास। बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। क्या लग रहा है, चढ़ लोगे? हाँ मालिक, बचा लो गर्मी से। भाई साहब विश्राम गृह में विश्राम कर रहे हैं, टाइम खत्म। यहाँ 2-4 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई है, दुकान गई सर और इस दुकान से हमें लेना है राइट। बहुत चढ़ी चढ़ी, हाथ खराब हो रही था। हो एक दो बार हवा चल रही तो बहुत मज़ा आ रहा है, और ना बहुत गर्मी है भाई। देखो सब बहुत, आने वाले सालों में नीचे रोड है टीवी डावर वाली, वहाँ से ये रोड धारचूला कोट के लिए अभी कट रही है। हार्ट शेप धारचूला, और ये धारचूला का नेपाल वाला एरिया, और ये आर्मी एरिया और हेलीपैड दिखाई दे रहा है, तो दूर तक धारचूला बसा हुआ है। काफी ऊपर आ गए अभी हम। ये जंगल वाला पैच शुरू हो गया यहाँ से। और ये अभी अभी हम पहुंच गए सीनिया खुला के किसी घर पे। और ये आखिरी पड़ाव है सीनिया खुला का, आखिरी घर, उसके आगे हम पहुंच गए धारचूला कोट।
ये रहा धारचूला कोट, और धारचूला कोट से पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जो धारचूला से बिल्कुल भी नहीं दिखता। चलो यहाँ से हमें थोड़े बहुत खाने पीने का आइटम मिल गया। ये आखिरी जगह है सिंधिया गोला का, यहाँ पानी मिलेगा आखिरी जगह, उसके बाद कहीं पानी नहीं मिलेगा आप लोग को। तो हो सके तो आप लोग यहीं से पानी भर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग को पानी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और यहाँ के लोकल बंदों से जो यहाँ पे रहते हैं परमानेंट, उनसे आप पता करते रहिए कि पानी आगे जो नल है उनका आंगन में लगा रहता है, वहाँ पानी सूखते नहीं है, वो पता करते हुए आइएगा। कभी कभार क्या होता है ये ऊपर वाले नल पे पानी नहीं आ रही होती है, तो आपको नीचे वापस जाना पड़ सकता है पानी के लिए। तो ये सब देखते हुए आइएगा और पूछते हुए आइएगा। आज रेनबो दिखाई दे रही है सामने वाली पहाड़ी पे। धारचूला कोट अब कुछ ही दूरी पे है, चुनो का पैर में जमीन में। चलो ये देखो भाई साहब, आज के रहने इन सब चीज़ों से फाइनली हम पहुँच गए हैं धारचूला कोट।